गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज लेके आई हूँ जिससे क्या है कि आप जब रेगुलर करोगे आपकी हाइट में इंक्रीज होगा। कैसे? आपकी हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग जाएगी। ओके, मेरे जो छोटे बच्चे हैं, माय स्मॉल किड्स क्लास थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ओके, और ये एक्सरसाइज बड़े भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको करना है जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ, रेगुलर आपको इसको फॉलो करना है। ओके, लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, ताड़ासन। ओके, फर्स्ट हमारा आसन है ताड़ासन। यानी ताड़ासन क्यों? ताड़ की पेड़ की जैसे। ओके, तो कैसे करना है? दोनों लेग्स पे आराम से स्टैंड हो जाओ, खड़े हो जाओ, इजीली, बिल्कुल आराम से खड़ा होना बेटा। उसके बाद में क्या करना है? ओके, अटेंशन में खड़े होना है, फिर हैंड्स ओपन करना है। ओके, फिर हाथों को ऐसे करना और ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करके और ऊपर। ओके, और उसको ऊपर करना, किया, फिर टो पे, स्टैंड ऑन द टो। ओके, पंजे पे खड़े होना। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको 5 टाइम रोज करना है। 1, ओके, 1, 2, थ्री, फोर, फाइव। ओके, तो ये एक्सरसाइज, ये आसन आपको रोज करना है जिससे आपकी हाइट इंक्रीज होगी। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट आसन। अब सेकेंड आसन करेंगे हम सारे बैठने वाले। ओके, नेक्स्ट हमारा आसन है पश्चिमितो आसन। यानी इसमें क्या करना है? नोज को नी पे लगाना है। ओके, नहीं लगता है कोई बात नहीं, आराम से करना है, धीरे धीरे ऐसे। ओके, और जो हमारे हैंड्स हैं उनको टो पे टच करना है, यू टच योर टो। ओके, और धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रेच करना है, ऐसे कोशिश करो। ओके, इस तरह से कोशिश करो, ऐसे दीवार पे पूरा हाथ ऐसे लगाओ। ओके, तो क्या है? ये स्ट्रेच होता है, यहाँ से हमारा पूरे जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, नर्व्स हैं, वो स्ट्रेच होती है और हाइट इंक्रीज होने में बेनिफिट होती है। ओके, तो धीरे धीरे क्या करना है आपको? ऐसे टच करना है। कोशिश करना है आराम से। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी बेटा। ओके, थोड़ा सा इनको होल्ड कर सकते हो, इसको आप पकड़ सकते हो एंकल को, आपके एंकल को। ओके, इन होल्ड कर लो, पकड़ लो और धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 5 टाइम। तो आपको 5 टाइम पश्चिमी तो आसन करना है। सो इस तरह से आपको हाइट इंक्रीज में बेनिफिट मिलेगा। अब क्या करना है? अब लेट जाओ। ओके, लेट गए, अब आपको क्या करना है? सर्वांग आसन। इसमें दोनों लेग्स को ऊपर लेके जाना, क्लियर है? कैसे लेके जाना है? ऐसे उठाओगे, धीरे धीरे उठाया, फिर थोड़ा सा पुश करोगे ऐसे, ये ऐसे पुश करने से, और ये सपोर्ट लगाना लीजिए। ओके, इस तरह से ये कमर पे हाथ लगाया और ऐसे, ये सर्वांग आसन। ओके, 10 टाइम या 5 टाइम काउंट कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, वापस डाउन होना है तो थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऐसे। ओके, 1, 2, 3, 4। ओके, इस तरह से आपको 5 टाइम रेगुलर करना है। क्लियर है बेटा? इस तरह से
आपको वापस डाउन होना है और लेग्स को स्ट्रेट रखना। ये हो गया आपका स्वराग आसन। ओके, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट है हमारा हलासन, यानी जैसे आप लेग्स को ऊपर लेके गए वैसे आपको पीछे हेड के वहाँ टच करना है। ओके, ये देखो रेडी, ऐसे उठाओ लेग्स को और ये सपोर्ट लगाओ, थोड़ा सा प्रेस करो धीरे धीरे आराम से, ये टच किया और हाथ को छोड़ दो इस तरह से। ये देखो यहाँ से पूरे मसल्स स्ट्रेच होती हैं, ये मसल्स हमारी स्ट्रेच होती है और फिर आपको आराम से ऐसे सारे लेके आराम से नीचे आ जाओ और धीरे 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 लेग्स को डाउन करो। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, 5 times करना है। ओके, टू हो गया, थर्ड, तीन, ओके, फोर, लास्ट 5। ओके, ये था हमारा, हमने हलासन कितने 5 times। अब आप क्या करते हो, इस चीज को रेगुलर कर सकते हो, हलासन और पश्चिमोत्तानासन कैसे करना है एक बार देखो, कंटिन्यू बैक किया फिर वापस होल्ड को हैंड किया और धीरे धीरे ऐसे 1, 2, 3 5। ये आराम से हो जाता है जब आप फर्स्ट टाइम पश्चिमोत्तानासन करोगे, सेकंड टाइम हलासन करोगे, तब इसको आप कंटिन्यूटी में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं, जो रबड़ की जैसे नसें हैं, वो लूज़ हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, उसमें एक लचीलापन आ जाता है, तो धीरे धीरे वो स्ट्रेच होती है और हमारी हाइट को इंक्रीज होने में बेनिफिट मिलता है और धीरे धीरे हमारी हाइट इंक्रीज होती है और हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक अच्छी फिनिशिंग, एक अच्छा लुक आता है। ओके, जब भी हम एक्सरसाइज आसन परफॉर्म करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा पश्चिमोत्तानासन। अब है हमारा भुजंगासन। किस तरह से हमने ऐसे किया, अब हम भुजंगासन करेंगे कैसे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा आसन है भुजंगासन। तो ऐसे लेट जाओ। ओके, दोनों हाथों को यहाँ रखो आराम से रिलैक्स होके, फिर हल्का सा ये शोल्डर के पास में। ओके, फिर ऐसे अपर पार्ट को ऊपर उठाओ, हल्का सा स्ट्रेच करो, कमर पे जोर आएगा लेकिन ज़्यादा नहीं करना, जितना आपसे हो सकता उतना करो। ओके, 1, 2, 3 5 Okay, relax. तो
सो ये हमारे आसन थे आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए। सो माय लिटिल स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप ये करना और आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।